निभाना, पार्टियां करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। अपराधियों से साठ गांठ रखने के आरोप में पुलिस महकमे के दो पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया, जबकि एक पुलिसकर्मी का डिमोशन कर दिया गया, जिससे महकमे में हड़कंप मच गया। दिखाते हैं रिपोर्ट। अभी तक आपने पुलिस वालों के प्रमोशन की खबरें सुनी होंगी। हवलदार से दरोगा बन गए, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बन गए, एसडीएम से डीएम बन गए, लेकिन कोटा से पुलिस वालों के डिमोशन की खबर सामने आई है, जहां पुलिस विभाग ने वर्दी की साख बचाते हुए तीन पुलिसकर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अपराधियों से साठ गांठ रखने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस महकमे ने सीआईई जोधाराम गुर्जर और एएसआई सूर्यवीर सिंह को बर्खास्त किया है। तो एएसआई अजीत मोगा डिमोशन करते हुए उसे हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। पुलिस महकमे के मुताबिक जांच के दौरान पुलिस को इन सभी पुलिसकर्मियों और अपराधियों के गठजोड़ के पुख्ता सबूत मिले हैं कि सभी पुलिसकर्मी किसी न किसी तौर से बदमाशों के साथ मिलकर अनैतिक गतिविधियों में लिप्त थे, जिसकी बुनियाद पर डीआईजी रविदत्त गौड़ ने ये कार्रवाई की है। सीआई जोधाराम गुर्जर बर्खास्त। सीआई जोधाराम गुर्जर को 23 अगस्त 2014 को डोडा पोस्ट का ट्रक छोड़ने की एवज में 5 लाख रुपए की घूस लेते कोटा एसीबी ने ट्रैप किया था। इसके अलावा गोवा में हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी के साथ पार्टी करने की तस्वीरें सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस महकमे ने इसे बर्खास्त किया। एएसआई सूर्यवीर सिंह को बर्खास्त। जमीनों की धोखाधड़ी के मामले में जेल जा चुके एएसआई सूर्यवीर सिंह को बर्खास्त किया गया है। सूर्यवीर सिंह पर कई जमीनें हड़पने के कई मामले भी दर्ज हैं। साथ ही शिवराज गैंग के गुर्गों के फार्म हाउस पर पार्टी करने की तस्वीरें भी सामने आई। एएसआई अजीत मोगा का डिमोशन। एएसआई अजीत मोगा का डिमोशन कर उसे हेड कांस्टेबल बना दिया गया है। अजीत मोगा की भी हिस्ट्री शीटर रणवीर चौधरी के साथ गोवा में पार्टी करने की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं अभी हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह, गनर जितेंद्र वर्मा, वीरेंद्र और देशबंधु फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास का नारा देने वाली पुलिस खुद अपराधियों को पनाह देती नजर आ रही है। गैंगस्टरों के साथ पार्टी करने की सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। खाकी पर लगती कालिख को साफ करने के लिए पुलिस महकमे ने इस तरह का बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि अगर पुलिसकर्मी अपराधियों के साथ हम प्याला होने लगे तो फिर वर्दी से हिफाजत की उम्मीद करना गुनाह हो जाएगा। KK शर्मा, जी मीडिया, कोटा।